चलो बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर एमआई का 3S प्राइम एक हैंडसेट है, और इधर आइए आप थोड़ा सा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, क्या है इसमें, क्या क्या नहीं हो रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, टच काम नहीं कर रहा है। और ये मोबाइल किसका है जी? मेरा है, दो तीन बार टच लगा के देख चुके हैं, दूसरा नया टच लगा के देख चुके हैं, ये रहेगी फोल्डर लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है। नया फोल्डर भी लगा के देख लिए, आप ही लाए हो ना हैंडसेट ये जी। तो यहाँ देख सकते हो ये काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सबके लाइफ अभी यहाँ पर रिपेयर करेंगे, और ये रिपेयर करेंगे। आपका नाम क्या है? दिनेश जी रिपेयर करेंगे, और आप सब इसको देखिए कैसे रिपेयर होता है। ये तो काम तो नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करिए, कटिंग शुरू कर दीजिए भाई, ठीक है। कितनी कपड़ा ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए कूल टेस्टिंग यहाँ करते हैं। तो पहले में क्या आ रहा है बताइए? इसका उल्टा लग रहा है, ठीक है, चेक करने के लिए। हाँ से तो पहला वाला चेक करिए क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरे में 400 के आसपास रीडिंग आ रही है, 402। तीसरा, तीन नंबर पे भी 402 रीडिंग आ रही, ठीक है। और चार नंबर पे 468, ठीक है। और पांच नंबर पे 468, और छह नंबर पे भी 398। मतलब इसमें क्या है, एक ग्राउंड मिल गया और कितने? पांच रीडिंग आ गई। तो क्या कुछ लाइन ओपन है क्या यहाँ पे? क्या कुछ कंपोनेंट निकला हुआ है? नहीं सर, कंपोनेंट निकले हैं ना ही कोई लाइन इसकी ओपन है। चलो कोई लाइन अगर ओपन आती तो हम समझते भाई कुछ रजिस्टर इसका निकला हुआ है, अगर कहीं एक को छोड़ के कहीं और शॉर्टिंग आती तो हम समझते कि कुछ कंपोनेंट में शॉर्टिंग है। समझ में आ रहा? चाहे कैप्चर शॉर्ट हो सकता है या डायोड दिया है। देखिए किसी में क्या है ना, जितना महंगा आपका मोबाइल होगा मोबाइल की कंपनी वाले के हिसाब से बनाता है, कोई डायोड दे देता है, कोई कैप्चर देता है, कोई रजिस्टर देता है। तो ये वाला जो हैंडसेट है इसकी जो लाइनें हैं कहाँ रहेंगी आप सबको पता है, ठीक है। जो भी आपकी ट्रेस आपकी टच की लाइन है तो उसका कंपोनेंट कहाँ मिलेगा सबको पता है कि नहीं? उधर बताइए। तो टच की जो यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं इसके कंपोनेंट कहाँ होंगे सबको पता है? सब ट्रेस कर सकते हो ना? तो यहाँ पे हम वीडियो में नहीं बताएंगे आपको, फिर भी देख लीजिए, फिर भी जो भी कंपोनेंट जो होते हैं आपको पता है बिल्कुल बाजू होंगे या पीछे होंगे उसके, है ना, आसपास ही मिलेंगे या तो उसके पीछे पीछे। तो यहाँ पे हमारे पास ये टच का क्या है, कनेक्टर। तो कनेक्टर से देखते हैं एक एक लाइन की यहाँ कंटिन्यूटी देखते हैं। देखो यहाँ पे 3, 2, 5 डायोड है, क्या दिया है, ठीक है। चलिए इसमें से पहले देखते हैं कि कुछ शॉर्टिंग है क्या, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि किससे कौन सी लाइन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो पहले चेक करिए एक एक, दो तरफ लगाइए एक एक बार, नॉर्मल एक ग्राउंड कर दीजिए ब्लैक, बस दो तरफ अगर बीप आती है तो क्या समझेंगे? यहाँ बीप आई, यहाँ आई क्या? थोड़ा सॉरी, चलिए लगाइए बीप, यहाँ एक ग्राउंड है ये, और इस साइड रीडिंग। चलिए दूसरा, इस साइड रीडिंग, और इस साइड ग्राउंड। चलिए तीसरा रीडिंग, और इस साइड ग्राउंड। मतलब ये भी शॉर्ट नहीं है? नहीं है। चलिए इस साइड ग्राउंड, नीचे रीडिंग। चलिए बाजू रीडिंग, ऊपर ग्राउंड, एक तो कंफर्म ये हो गया कि हमारी जो सप्लाई है पूरी होके है, और दूसरी बात ये भी कंफर्म हो गया कि कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, शॉर्टिंग भी नहीं है, और कंटिन्यूटी रीडिंग भी पूरी मिल रही है, फिर भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ आके आदमी फंस जाता है, शॉर्टिंग होती है तो उस कंपोनेंट को रिमूव करता, अगर रजिस्टर नहीं आता तो यहाँ से क्या कंटिन्यूटी लेता है कि कहाँ कुछ बीच में रजिस्टर नहीं ओपन तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर ना शॉर्टिंग है ना ही ऊपर है, लाइन ओपन है, ऐसे कंडीशन में क्या करे? तो ऐसे कंडीशन में एक और चीज ये देखते हैं, पहले तो ये देखिए इसको ओपन करिए ढक्कन को। अब यहाँ से एक एक लाइन पे ट्रेस करेंगे यही कंपोनेंट है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन को लगाइए इस साइड में, और हाँ पहले फर्स्ट लाइन को लगाइए पहले, और इस नहीं नहीं यही रखिए, बस आप इससे चेक करते हैं उसका कौन सा कंपोनेंट है। देखो इसका कौन सा कंपोनेंट मिलता है, क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, क्या मिल गया, ठीक है। अभी और कुछ कंपोनेंट भी बदलाएगा, देखिए
करेंगे। अरे लेफ्ट हैंड को आपके हटाते जाइए, राइट पर मिल रहा है क्या? ये मिल गया इसका, दो बिंदा हमारा कंटिन्यूटी मिल गई। माने ये जो कंपोनेंट है इसी के है, ठीक है। और आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब समझते हैं, ठीक है। बस इसमें हम क्या करेंगे, हार्ट टेस्टिंग, फुल टेस्टिंग में तो ओके मिल गया। चलिए लगाइए और सेट को ऑन करिए। तो अब इसमें हम क्या, चलो रख दीजिए, हो गया ऑन हुआ। चलिए देखो अभी ऑन ही हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑन हो रहा है। हम क्या करेंगे, हार्ट टेस्टिंग। तो मल्टीमीटर को कहाँ रखना है सबको पता है ना, कितने रेंज में रखना है, ठीक है। एक ग्राउंड ब्लैक कर दो, एक एक पिन पे चेक करेंगे अभी क्या आ रहा है। रुक जा, रुक जाओ, वहीं रख दे। देखो 50.05 इतनी आने चाहिए क्या वोल्टेज? नहीं आना चाहिए। आपको पता है कौन सी पिन पे कितनी वोल्टेज आती है, टच के अंदर कितने टाइप के वोल्टेज आते हैं मालूम है, सबको बताया गया है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये हमारा एक फॉल्स रीडिंग शो कर रहा है, फॉल्स वोल्टेज शो कर रहा है। चलिए सेकंड दोनों को वो मत करिए शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.7 यानी ये ओके है। चलिए नेक्स्ट, तीसरी पिन पे भी 1.74 के आसपास। चलिए राइट, और चार नंबर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.7, ठीक है। नेक्स्ट अभी इस वाले कैप्चर पे देखिए कितनी रीडिंग वोल्टेज आ रहा है, कैप्चर ऊपर ऊपर क्या है, 1.45। ये रीडिंग हमको नहीं आनी चाहिए, मतलब हमको यहाँ पे फॉल्ट मिल गया कि यहाँ पे VDD की लाइन नहीं आ रही है। कौन सी यार, सबको पता है उस तरफ नहीं, सबको पता है ना VDD लाइन कहाँ से आती है। तो हमको ये भी पता है कि अगर जहाँ से लाइन आ रही है वहाँ से नहीं लेके हम कहीं और से भी ले सकते हैं, है ना। तो उसको तो इधर रोक दो। तो फ्रेंड्स अभी ये रिपेयर कर रहे हैं कि हमको कहाँ से इसकी कंटिन्यूटी बनाना है, कहाँ से वोल्टेज लेना है। तो हम यहाँ पे बता दो, बस एक जम्पर लगाए यहाँ पे, ठीक है, हटा दो। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसका जम्पर लगा दिया है और अभी इसको ऑन करेंगे, और ऑन करके पहले क्या देखेंगे, वोल्टेज भी चेक करेंगे और टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेट अभी ऑन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको वोल्टेज चेक करिए, वहीं पर बताइए ऊपर। तो वोल्टेज यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अभी जो प्रॉपर वोल्टेज आना चाहिए था VDD का वोल्टेज आ रहा है। चलिए अभी टच काम कर रहा है क्या नहीं बताइए पल्टा जी। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, बताइए हमारा टच अभी है ना, ये देखिए टच हमारा अभी काम कर रहा है, ठीक
ठीक है, इस तरह बता दो। ठीक है, एक बार इंडिकेट क्रॉस कर दीजिए।